नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक खुशखबरी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, जिस घड़ी का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, वो समय अब आ गया है। पीलीभीत से सागर के नवनिर्मित ब्रॉड गेज लाइन पर रेलवे ने ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस रूट को क्या क्या मिला है और कितनी ट्रेन है इस रूट को मिली और किस टाइप की ट्रेन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लास्ट में इसको लाइक भी जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह जानकारी अधिक से अधिक यात्रियों को पहुँच सके और वो अपना सफ़र कर सकें। आज वो शुभ दिन आ गया है इस रूट के यात्रियों के लिए, जिस दिन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने पीलीभीत सागर के रूट पर एक ट्रेन का संचालन करने की घोषणा की है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या है पूरा टाइम टेबल, क्या रहने वाला है कोच कंपोजिशन और टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं इस ट्रेन की। दोस्तों, आपको बता दें यह केवल एक गाड़ी है, वो भी 2 महीने के लिए चलेगी। यह वीकली एक्सप्रेस ट्रेन दोनों तरफ से 10-10 ट्रिप लगाएगी। वीडियो को रोककर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रेलवे का नोटिफिकेशन। ट्रेन के फुल शेड्यूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपको वहां पर क्लिक करके पूरा शेड्यूल भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शेड्यूल को ब्रीफ में ही बताऊँगा। ट्रेन नंबर 05060 लाल कुआ हावड़ा समर स्पेशल ट्रेन 25 अप्रैल से 27 जून तक प्रत्येक थर्सडे को दोपहर 3:30 बजे लाल कुआ से रवाना होगी। पीलीभीत आएगी 6:15 बजे, पूरनपुर पहुँचेगी 7:20 पर। मैलानी जंक्शन इसका टाइम होगा 7:15 बजे और हावड़ा अपनी यात्रा समाप्त करेगी अगले दिन यानी शुक्रवार को रात को 10:30 बजे। वापसी में ट्रेन नंबर 05059 हावड़ा लाल कुआ समर स्पेशल ट्रेन 27 अप्रैल से 29 जून तक एवरी सैटरडे को रात 12:30 बजे मतलब फ्राइडे नाइट को हावड़ा से चलेगी। मैलानी जंक्शन पहुंचेगी अगले दिन 8:00 बजे, पूरनपुर इसका टाइम होगा 9:15 बजे का, पीलीभीत पहुंचेगी 10 बजे और लाल कुआ पहुंचेगी दोपहर को 1 बजे। अब बात करते हैं क्या रहने वाला है कोच कंपोजिशन। यह ट्रेन LHB रेक के द्वारा चलाई जाएगी, जिसमें 5 थर्ड इकोनॉमी कोच होंगे, 1 AC सेकंड टायर, 1 फर्स्ट AC का, 6 स्लीपर कोच होंगे, 3 जनरल कोच, 1 जन SLR और 1 जनरेटर यान होगा। इसकी बुकिंग 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। आप IRCTC की साइट पर जाकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नज़दीक काउंटर पर भी जाकर ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं, वो पहले से शुरू हो चुकी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यात्रियों को बुकिंग करने में दिक्कत ना हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।